हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे प्यारे सर द रेवोल्यूशनरी मैन अभिनय सर ने सरकार की और मीडिया वालों की काली करतूतों का भंडा फोड़ दिया है। एक्चुअली आप सभी लोग जान गए होंगे कि सर जान गए होंगे और जानते भी होंगे कि हमारे सर अभिनय सर हमेशा गुस्से में नहीं रहते हैं, वह हमेशा ही फन मूड में रहते हैं। मतलब पढ़ाते टाइम वो हमेशा ही हंसी मजाक करते रहते हैं, पर जब सरकार की काली करतूतों का घड़ा भर गया तो हमारे सर से रहा नहीं गया। वो आगे आए और सरकार के खिलाफ और मीडिया वालों के खिलाफ जमकर बोला, डट कर बोला और ताबड़तोड़ बोला। खैर, सर ने जो भी कहा किया और कहा सब सही किया दोस्तों, सब सब कुछ उन्होंने सही बोला। आखिर कब तक घोटालेबाजी होगी, कब तक सरकार हमसे काली करतूत हमारे खिलाफ मतलब घोटाले करेगी दोस्तों, हमसे ही लूटेगी। न्यूज वाले तो कभी भी एजुकेशन पर बात ही नहीं करते हैं। न्यूज वाले दोस्तों कभी भी एजुकेशन पर आपका न्यूज खोल कर देखेंगे तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की खबरें दिखाएंगे आपको, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हो गई, न्यूज स्पोर्ट की दिखाएंगे, पर एजुकेशन की बात कभी नहीं करते हैं दोस्तों। मीडिया तो एकदम अपने बुरी स्तर पर आ चुकी है, उन्हें सिर्फ कमाई ही करनी है, उन्हें TRP बढ़ानी है दोस्तों। और रही बात एजुकेशन बोर्ड और मिनिस्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो आप तो वो भी कुछ ज़्यादा नहीं करें दोस्तों, वो कुछ भी हमको नहीं करें। मतलब अगर कुछ उनके खिलाफ़ बोला जाए तो किस चीज़ की वो नोटिफिकेशन डाल देंगे, SSC का कुछ डाल देंगे, या फिर देखिए एक दो चार दिन पहले CET ला दिए दोस्तों। मतलब कुछ भी इनके खिलाफ़ बोला जाए तो कुछ नया चीज़ ला देंगे, या अब ये चीज़ डाल लिया जाए ताकि लोग कुछ दिन तक शांत रहें। खैर, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो NTPC और ग्रुप D का फॉर्म भरते हैं, जो कि एक या 1.5 साल दोस्तों हो चुका है, इसका एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग में है। इनके पास एजेंसीज नहीं है दोस्तों, इनके पास सोर्सेज नहीं है एग्ज़ाम करवाने के लिए। तो क्या बताएं सरकार की और मीडिया वालों की। कुल मिलाकर अभिनय सर ने जो भी कहा है उसे गवर्नमेंट को पूरा करना ही होगा, गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रिक्ट तो होना ही होगा, क्योंकि ऐसा आखिर कब तक चलेगा दोस्तों, ऐसा कब तक चलेगा। अगर UP में पुलिस का पेपर है तो ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर UP पुलिस में घोटालेबाजी तो अपने चरम सीमा को पार कर जाती है दोस्तों। UP पुलिस में इतनी घोटालेबाजी होती है, मैंने कई लोगों से सुना है कि 2.5 लाख 2 लाख रुपए देकर नकल करवा लिया, नकल हो जाता है। मतलब बहुत सारी बातें मैंने सुनी है UP पुलिस के बारे में दोस्तों। UP में घोटालेबाजी एकदम बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, पर इस पर सरकार का कभी कोई रिएक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि सभी एक दूसरे से मिले हुए होते हैं दोस्तों। एक्चुअली सब एक ही नदी के मेंढक हैं, जो कि इलेक्शन के टाइम पर निकलते हैं और टर्राते हैं। हमें सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार जैसे भी हो चले, देश की भलाई के बारे में सोचती है। बस दोस्तों एक चीज़ मतलब यह है कि युवाओं पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी देश का जो पिलर होता है दोस्तों, युवा उस किसी भी देश के पिलर होते हैं दोस्तों। युवा जो है किसी भी देश की पिलर होती है, अगर पिलर ही कमज़ोर हो तो देश की छत गिर जाएगी, और देश की छत गिर गई तो आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों युवा पर हमको ध्यान देना ज़रूरी होगा, और युवा पर ध्यान देने का मतलब है दोस्तों कि एजुकेशन सिस्टम को आप बेहतरीन करें, ये नहीं कि आप घोटालेबाजी करें, आप युवा को इधर उधर, मतलब इससे काफ़ी आप पर अपने देश पर इफेक्ट होगा दोस्तों। 2-3 साल पहले शायद सपा की सरकार में दोस्तों, अखिलेश यादव की सरकार में UP में वैकेंसीज आई थी दोस्तों, मेरिट वाली वैकेंसीज, आप जानते होंगे मेरिट वाली वैकेंसीज आई थी दोस्तों। तो उस वाले वैकेंसी में ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी मिली है दोस्तों, ऐसे ऐसे लोगों को जिनको पुलिस में ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी मिली है जिन्हें पुलिस की मीनिंग मतलब पुलिस का स्पेलिंग नहीं पता इंग्लिश में दोस्तों, उन्हें पुलिस लिखना नहीं आता दोस्तों, उन्हें सही से पढ़ना नहीं आता, उन सब को मिल गया दोस्तों। कैसे? उन्होंने दोस्तों प्राइवेट संस्थानों से फॉर्म भरा, प्राइवेट स्कूलों से फॉर्म भरा, प्राइवेट कॉलेज से फॉर्म भरा, उनका ज़्यादा परसेंटेज बना, और उसी तरह से मेरिट में नाम आया और सब नौकरी पा गए, और जो अच्छे थे उन सबको नहीं मिला दोस्तों। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्हें कुछ भी नहीं आता पर वो आज पुलिस की पोस्टिंग पर दोस्तों। खैर ये तो पुरानी बात है, पर अब हमें फ्यूचर और प्रेजेंट को लेकर चलना है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा श्रीमान महोदय जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि सिस्टम में सुधार लाएं, एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना बहुत ज़रूरी है।
आप सभी लोगों को पता हो ना हो, खैर पता होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 45 साल में लास्ट 45 ईयर्स, इफ वी टॉक अबाउट लास्ट 45 ईयर्स, देन एम्प्लॉयमेंट की मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की जो दोस्तों रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट की दोस्तों जो बेरोजगारी की दर है, बेरोजगारी की दर दोस्तों यह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 45 सालों के मुकाबले। दोस्तों यह लगभग 30% तक बढ़ी है, 30% तक। दोस्तों पिछले साल आप जानते होंगे, पिछले साल रेलवे भी घाटा में था, मतलब सरकार क्या कर रही है दोस्तों, हर देश घाटे में ही चल रहा है। इस साल देखिए दोस्तों बेरोजगारी की दर लगभग 30% तक बढ़ चुकी है पिछले सालों के मुकाबले, और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है दोस्तों। लगभग दोस्तों 45 साल मतलब पिछले 45 सालों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बेरोजगारी दर 30% तक पहुँच जाए। तो दोस्तों देखिए कुछ कैंपेन चलेगा ट्विटर पर, तो ट्विटर पर आप ज़रूर, अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट तो आप ज़रूर ट्वीट करें। 1 सितंबर से चलेगा दोस्तों एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट दोस्तों, एसएससी डिक्लेयर सीरियल रिजल्ट दोस्तों। उसके बाद एक और है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे एग्ज़ाम रेलवे स्टूडेंट्स दोस्तों, देखिए तो चलेगा दोस्तों ट्रेंडिंग में, आप इसे लाना है ट्रेंडिंग में, यूट्यूब और ट्विटर दोनों जगह पर ट्रेंडिंग में लाना है, आप ज़रूर अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ें। दोस्तों 2.5 से 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है दोस्तों रेलवे का, तो उन सब की फ्यूचर का भी सवाल है दोस्तों, उन सब का एग्ज़ाम 1-2 साल से पेंडिंग में दोस्तों। उन्होंने 500 रुपये सरकार ने तो ले लिया, पर वो बोल अब सरकार बोल रही है कि हम आपका 400 रुपये वापस लौटा देंगे, बताइए ये कैसी बात हुई। तो 2.5 से 3 करोड़ लोगों के फ्यूचर का सवाल है, आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में जुड़ें और ट्वीट करें, तो इससे देश का भला होगा। आप जब तक दोस्तों आप पर नहीं बीतेगी तो आप नहीं समझेंगे, लेकिन खुद इंसानियत के नाते आप ज़रूर इसको आप ज़रूर कुछ ना कुछ करें। ये नहीं कि आप अगर मोदी जी के भक्त हैं तो उनकी गलतियों का आप नज़रअंदाज करें दोस्तों, लेकिन हमें इस ऐसा करना होगा दोस्तों, ट्विटर पर कंपेन चलाना होगा दोस्तों, हमें अभिनय सर का साथ देना होगा और भी टीचरों का साथ देना होगा, सभी टीचर साथ में आए दोस्तों, सभी ने इसके खिलाफ़ वीडियो बनाया है दोस्तों, इस सिस्टम के खिलाफ, तो आप ज़रूर अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ें। खैर दोस्तों कहने को तो बहुत कुछ है, पर बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको अभिनय सर के जो मन की भड़ास का वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के में, अभी के लिए इतना ही।